पंकज झा ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट भेजी है। लेटे हुए हनुमान मंदिर कह लीजिए या बड़े हनुमान मंदिर या बांध वाले हनुमान मंदिर, लेकिन ये कहा जाता है कि नगर कोतवाल की तरह इनको पूजा जाता है यहाँ पर हनुमान मंदिर को, यहाँ पर प्रयागराज में संगम किनारे। लेकिन आज मंगलवार है और शुभ मंगलवार को और शनिवार को यहाँ हजारों की भीड़ जुटती थी इस मंदिर में बजरंग बली के दर्शन के लिए। चूँकि यहाँ लेटे हुए हनुमान जी हैं, इस तरह की मुद्रा हनुमान जी की बहुत कम ही होती है। आज मंदिर बंद हैं और देखिए लोग बाहर से इस तरीके से दर्शन करके जा रहे हैं। जो महंत हैं नरेंद्र गिरी, उनके निधन के बाद आज ऐसा पहली बार ये मौका हुआ है कि मंदिर को बंद किया गया है। लोग यहीं पर सुंदरकांड पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे प्रसाद है यहाँ पर रखा हुआ। लोग आए थे कि शायद भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये खबर आई है, आप लोग तो प्रयागराज के पुराने लोग हैं, मंदिर बंद है? मंदिर आज बंद है भैया, महंत जी का जो है वो एक्सपायर होने की वजह से, और बड़ा दुख है हम लोगों को इस चीज़ के लिए। बहुत ही सज्जन आदमी थे महंत जी, से हम लोग आते थे, मुलाकात भी होती थी, पैर छूते थे उनके। मगर क्या लग रहा है जो पुलिस कह रही है कि सुसाइड हुआ है, सुसाइड है या आपको लगता है कि उनकी हत्या हुई होगी? सुसाइड का तो ऐसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि बहुत ही जो है गंभीर आदमी थे और हर परिस्थितियों को जो है झेलने वाले आदमी थे। अब ईश्वर क्या कर सकता है भैया, वो तो पुलिस विवेचना की विषय बनता है। आपका मन कहता है कि सुसाइड का मामला नहीं बन रहा है? सुसाइड का मामला नहीं है। क्या कह रहे थे आप लोग, हमेशा आते थे यहाँ दर्शन? बिल्कुल सर। और महंत जी नरेंद्र गिरी जी से भी दर्शन होते थे? बिल्कुल सर, होते थे दर्शन। आज मंदिर बंद है? आज मंदिर बंद है, आज दर्शन नहीं हो पा रहा है, बार बाहर से ही हो पा रहा है मंदिर के दर्शन। तो ये जो कहा जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, बहुत दिनों से मानसिक रूप से परेशान थे, आपको भी लग रहा है नरेंद्र गिरी ऐसे थे? बट ऐसे नहीं थे, हम लोग तो आते थे, बराबर दर्शन होता था, बट ऐसे लगता नहीं था कि ऐसे कुछ परेशान से देख, ऐसा लगा नहीं कि वो परेशान रहते। हो सकता है, ऐसा संभव है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो सुसाइड नहीं कर सकते? वो हमेशा प्रफुल्लित दिखाई पड़ते थे, हमेशा राजनीति के लोगों के साथ रहते थे, बड़े प्रभावशाली दिखाई पड़ते थे, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये ऐसा भी हो सकता है कभी सुसाइड कर ले। आनंदगिरी को भी आप लोगों ने देखा होगा? बिल्कुल देखा, हाँ यहीं बैठे रहते थे, यहाँ पे आनंदगिरी जी बैठते थे और सभी लोग यहाँ बैठते थे, आते जाते थे, बहुत दिन से देखते चले आ रहे थे। और ऐसा कभी भी नहीं लगा हम लोगों को कि ऐसा भी कभी हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा हो गया। बहुत तकलीफ की बात है, अंदर से तकलीफ हो रही है। तो लगता है इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ठीक से? नहीं नहीं, जांच तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए भैया, इसमें फुल विवेचना होनी चाहिए इसमें। अधिकतर लोगों की राय यही है, उनका मानना भी यही है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा है कि जो महंत नरेंद्र गिरी हैं वो सुसाइड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लोग जमा हुए हैं, इसी तरीके से लाइन लगती थी। मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी लेटे हुए हनुमान मंदिर से कई बार आना जाना लगा रहा, कुंभ की कवरेज के दौरान चाहे जब भी प्रयागराज में आता था, यहाँ आता था, और मुझे यहीं पर नरेंद्र गिरी भी मिलते थे, आनंद गिरी भी मिलते थे। यहाँ पर कई बार उन्होंने मुझे आरती में भी शामिल कराया, नीचे आरती, चूँकि नीचे एक मंदिर जो हनुमान जी हैं लेटे हुए, 20 फीट की जो मूर्ति है उनकी, वो लेटे हुए मुद्रा में हनुमान जी हैं। लेकिन आज ये मंदिर बंद है इसीलिए क्योंकि नरेंद्र गिरी के निधन के बाद से मंदिर को बंद कर दिया गया, और पूरे देश में इस बात की चर्चा, आखिर क्या वजह हो सकती है कि नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया, जो कहा जा रहा 7-8 पन्नों का सुसाइड है, सुसाइड किया तो इसकी वजह क्या हो सकती है? उनके और आनंद गिरी, यहीं आनंद गिरी से हमारी मुलाकात होती थी, पीछे एक कमरा है बैठने का जहाँ पर वो दोनों बैठते थे और यहीं मुलाकात होती थी, प्रसाद लेते थे। बगल में देखिए ये गंगा नदी है, संगम के किनारे ये बना हुआ है हनुमान मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर कहते हैं। जो भी आता है प्रयागराज, यहाँ पर बजरंगबली के दर्शन करने के लिए ज़रूर आता है। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद से, कल से ही सब लोग ये जानना चाहते हैं कि जो ये बड़े हनुमान जी का मंदिर है और जिसके महंत रहे नरेंद्र गिरी, जो अब नहीं हैं, आखिर उनकी मौत हुई है तो क्या सुसाइड है, आत्महत्या है या फिर हत्या है? अगर आत्महत्या की तो किस वजह से की, किसके उकसावे पर की, कौन लोग थे जो सामने थे? कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं और चेहरे जो पर्दे के पीछे भी हो सकते हैं। तो ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब आने अभी बाकी हैं। कैमरामैन राजेश के साथ पंकज झा, ABP न्यूज़ प्रयागराज। तो पंकज झा की रिपोर्ट देख रहे थे आप बड़े हनुमान मंदिर से प्रयागराज से, और वहां पर जो वो आम लोगों से बात कर रहे थे, आम लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आत्महत्या कर सकते हैं महंत जी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।